नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। राफेल डील पर मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अदालत ने सभी पुनर्विचार याचिकाओं को किया खारिज। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने राफेल मामले में पुराना फैसला रखा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में विमान खरीद सौदे पर दिया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गदगद भाजपा प्रवक्ताओं ने दिए बयान, कहा जनता की अदालत के बाद सुप्रीम कोर्ट में जीत मिली। राफेल पर फैसले के बाद राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा झूठ फैलाने के लिए कांग्रेस को मांगनी चाहिए माफी। चौकीदार चोर है पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने दी नसीहत, कहा भविष्य में कोर्ट से जुड़े किसी भी मामले में बरते सतर्कता। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जजों की पीठ को भेजा सबरीमाला मंदिर केस, महिलाओं की एंट्री देने के खिलाफ डाली गई थी 65 रिव्यू पिटीशन। बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले का टला फैसला, अब आरोपियों पर 12 दिसंबर को सजा सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट। अमित शाह ने शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी पर साधा निशाना, कहा जिसके पास संख्या हो अब बना ले सरकार। संजय राउत ने डील टूटने के लिए अमित शाह को ठहराया जिम्मेदार, शिवसेना नेता बोले पीएम मोदी को नहीं बताई गई पूरी बात। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने पर शिवसेना ने बोला हमला, कहा भाजपा ने सत्ता पास रखने के लिए तैयार की थी पटकथा। शिवसेना ने पूर्व सीएम फडणवीस पर जमकर साधा निशाना, कहा जनता को दिखाने के लिए बहा रहे हैं मगरमच्छ के आंसू। केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर उतरे भाजपाई, भाजपा नेता विजय गोयल ने आर्ट इवेंट को बताया केजरीवाल का ड्रामा। कट्टर सरकार की कैबिनेट में 10 मंत्रियों को किया गया शामिल, भाजपा के 8, जसपा और निर्दलीय के 1-1 विधायक ने ली शपथ। ओपी चौटाला के छोटे भाई रणवीर सिंह चौटाला ने भी ली शपथ, रणवीर हरियाणा की रनिया सीट से चुने गए हैं निर्दलीय विधायक। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ का नया कबूलनामा, भारतीय सेना से लड़ने के लिए कश्मीरियों को पाक में देते थे ट्रेनिंग। सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने दिया 51,000 का चेक, कहा अयोध्या में भगवान राम का मंदिर हिंदुस्तान के गौरव की बात। दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का आज से हुआ आगाज, 14 से 18 नवंबर तक सिर्फ कारोबारियों को मिलेगी एंट्री। आम जनता को 19 नवंबर से ट्रेड फेयर में मिलेगी एंट्री, बच्चों को 40 और बड़ों को लेना होगा 60 रुपए का टिकट। टिहरी डैम के निजीकरण करने की तैयारी पर कांग्रेस का हल्ला बोल, उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत 1 दिन के अनशन पर बैठे। रावत बोले टिहरी डैम को निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं पीएम मोदी, अगर केंद्र नहीं माना तो उत्तराखंड में होगा अनिश्चितकालीन आंदोलन। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार, ट्रस्ट के स्वरूप शक्तियों और सदस्यों की संख्या होगी तय। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नड्डा ने राहुल पर किया पलटवार, बोले प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की कोशिश हुई नाकाम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का लगाया आरोप, बोली सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने की पीएम मोदी के दृढ़ संकल्प की पुष्टि। SBI ने 5 साल में बट्टे खाते में डाल दिए 2,02,00,00 करोड़, डिफाल्टर कर्जधारों के पैसा न चुकाने के बाद लिया फैसला। सीएम योगी यूपी के सांडों की नसबंदी के लिए चलाएंगे बड़ा अभियान, प्रमुख सचिव पशुपालन गिनती करके कराएंगे नसबंदी। बाल दिवस पर राजस्थान सीएम गहलोत ने बच्चों को दिया तोहफा, बोले मेट्रो यात्रा और सुपर 30 फिल्म को बाल दिवस पर किया फ्री। सीएम कमलनाथ ने बाल दिवस पर मध्य प्रदेश के शिक्षकों से की अपील, बोले समय पर स्कूल आकर बच्चों पर करें फोकस। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भ्रष्टाचार पर सीएम योगी को लिखा पत्र, LDA के व्यावसायिक प्लाट आवंटन की जांच और कार्रवाई की रखी मांग। बिहार के महान गणितज्ञ का पार्थिव शरीर करता रहा एम्बुलेंस का इंतजार, पटना के PMCH में निधन के बाद परिजनों ने पैसे मांगने का लगाया आरोप। वशिष्ठ नारायण सिंह ने आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को दी थी चुनौती, सीएम नीतीश कुमार के शोक जताने के बाद भी प्रशासन ने नहीं ली सुध। अमेरिका में विश्व बैंक के अधिकारियों से मिले तमिलनाडु के डिप्टी सीएम, पनीर सेल्वम ने परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता पर की चर्चा। महाराष्ट्र में अखिल भारतीय किसान सभा ने सरकार को दी चेतावनी, कहा बारिश से प्रभावित किसानों को मदद नहीं मिली तो जल्द करेंगे प्रदर्शन। झारखंड चुनाव में मतदान केंद्रों पर महिलाओं के लिए लगेगी अलग कतार, बुजुर्ग और दिव्यांगों को मिलेगी डाक मत समेत अन्य सुविधाएं। बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों को गुजरात सरकार ने दी बड़ी राहत, सीएम विजय रूपाणी ने घोषित किया 700 करोड़ का पैकेज। यूपी के प्रत्येक जिले में लगेगी पराली निस्तारण यूनिट, बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए योगी सरकार ने लिया फैसला। रामपुर सांसद आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, चुनाव के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का लगा था आरोप।
विदेशी चंदा विनियमन कानून उल्लंघन मामले में आनंद ग्रोवर को नोटिस, कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर इंदिरा जयसिंह को भी थमाया नोटिस। आयातित वाहनों पर जल्द शुल्क लगाने का ट्रंप ने दिया संकेत, शुल्क लगाने की धमकी से वाहन निर्माता कंपनियां परेशान। शशि थरूर ने सबरीमाला मुद्दे को संविधान पीठ को भेजे जाने का किया स्वागत, बोले धर्मों की अनुपालना पर असर डालने वाले हैं सभी मुद्दे। सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का राजनीतिक दलों ने किया स्वागत, विपक्ष के नेता रमेश बोले भगवान अयप्पा पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। विधायक प्रहलाद लोधी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी कमलनाथ सरकार, भाजपा विधायक की अयोग्यता पर हाई कोर्ट के फैसलों की दी जाएगी चुनौती। श्रीनगर में धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है जनजीवन, सड़कों पर उतरे सार्वजनिक यातायात के वाहन, अधिक समय तक खुले रहे बाजार। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने संघ और भाजपा पर बोला हमला, कहा लोकतंत्र में यकीन न रखने वाली शक्तियां नौजवानों को कर रही हैं गुमराह। सीएम जयराम ठाकुर ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना को लेकर किया दावा, बोले चूल्हे के धुएं से मुक्ति के लिए बांटे गए 1.5 लाख गैस कनेक्शन। महाराष्ट्र सरकार गठन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण का बयान, बोले प्रारंभिक स्तर पर है बातचीत, अभी नहीं हुआ कोई निर्णय। इंदौर टेस्ट में 150 रन पर सिमटी बांग्लादेश टीम की पहली पारी, अनुभवी रहीम ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए। मोहम्मद सभी ने सबसे ज्यादा 3 खिलाड़ियों को किया आउट, उमेश यादव, ईशांत शर्मा और अश्विन ने 2-2 विकेट झटके। अनुभवी स्पिनर अश्विन ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, घरेलू मैदान पर 250 विकेट लेने वाले क्लब में हुए शामिल। भारत ने स्टंप तक पहली पारी में 1 विकेट पर बनाए 86 रन, मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा क्रीम पर मौजूद। वेस्टइंडीज के खिलाड़ी पूरन पर आईसीसी ने की बड़ी कार्रवाई, गेंद से छेड़छाड़ का दोषी पाने पर 4 T20 मैच का लगाया प्रतिबंध। फिलहाल जनप्रवास सुपरफास्ट में इतना ही, देखते रहिए जनप्रवास सुपरफास्ट, नमस्कार।